अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल हरे मसाले में। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे स्टार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैं ले ली हूँ 500 ग्राम चिकन। चिकन को अच्छे से धो ली हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी सी हड्डियाँ हैं, आप चाहें तो पूरा बोनलेस भी ले सकते हैं। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी, तो आधा छोटा चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मच धनिया को लेकर उसे हल्का सा रोस्ट कर ली थी और उसे क्रश कर ली हूँ उसे डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। और अब मैं इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं इसके मसाले तैयार करूँगी। तो आधा कप ले ली हूँ हरा धनिया, इसे धोकर छोटा छोटा काट ली हूँ। 7 से 8 हरा मिर्च ले ली हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ, इसे छोटा छोटा काट ली हूँ। अब सभी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो इस तरह पेस्ट बना लेना है हमें। अब मैं ले ली हूँ एक पैन, उसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। इस तरह से पैन में फैला देंगे तेल को। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा भून लेना है हमें। साथ में 1 तेज़पत्ता भी डाल दूंगी। हमारा जीरा भुन चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। तो 1 प्याज को लेकर मैं उसे बारीक काट ली हूँ, इसे डाल दूंगी और इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लूंगी। सारा प्याज डाल दी हूँ मैं, अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है इसे। और यहाँ हमारा प्याज बहुत अच्छे से भुन चुका है, इतना ही भुनना है हमें। अब मैं डाल दूंगी इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है उसे। चिकन को डालकर हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए पहले 1 मिनट तक भून लूंगी। हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लूंगी। यह ढक दी हूँ। इसे पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं लगभग, देख सकते हैं किस तरह अच्छे से भून गया ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने चटनी बनाकर रखा हुआ है उसे, यह सारा का सारा डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मिक्सर के जार को धोकर थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ क्योंकि मेरे चिकन में हड्डियाँ ज़्यादा नहीं है। अगर आप हड्डियों के साथ चिकन को लिए हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि आसानी से गल जाए चिकन। अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं इसे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट तक ढककर पका लूंगी। चिकन को हमें गला लेना है बिल्कुल अच्छे से। बीच बीच में हम खोल कर चलाते रहेंगे इसे ताकि हमारा चिकन तले में लगे ना। तो मैं ढक दी हूँ। बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाता है ये चिकन। ये देखिए, इसे पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने 3-4 बार इसे चला ली थी तले से और ये हमारा चिकन पककर तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह का चाहिए हमें। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ कितना अच्छे से गल गया हमारा चिकन। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और गैस बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। देखिए, इसे निचोड़ देना है। इसे डालने से हमारे चिकन में बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमारा चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। हरे मसालों में ड्राई चिकन हो या ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। अभी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही टेस्टी चिकन बनकर तैयार होता है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।